बिस्मिल्लाह दोस्तों, पाकिस्तान से मैं अमर, और आप देखना क्रिकेट भी तुम्हारा हाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। WTC का फाइनल, आई थिंक एक नींद रह गई है बस, आज रात की नींद है, कल आपको WTC का फाइनल मिलेगा। लेकिन फाइनल से पहले, फाइनल इंग्लैंड में हो रहा है तो वेदर की बड़ी जो है वो बंदे को टेंशन रहती है कि वेदर क्या होगा। वेदर का इस वीडियो में बताऊंगा, प्लेइंग 11 का बताऊंगा कि रोहित शर्मा ने क्या प्लेइंग 11 का हिंट दिया, और ऑस्ट्रेलिया की तो प्लेइंग 11 आ भी गई है, और भाईजान पिच, ओवल की जो पिच है वो किस तरह की बनी है। मतलब इस तरह की पिच बनी है ना कि एशियन टीमें देख के ही ना उनकी टांगे कांप जाएंगी, वो कहते हैं ना कि ये कौन सी हरकत हो गई है, इस वजह से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो है वो वेदर की। अगर वेदर का मैं आपको बताऊं तो वेदर का मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको लाइव बताऊंगा कि ओवल में 5 दिन किस तरह का वेदर रहेगा, क्योंकि वेदर इससे पहले जो WTC का फाइनल हुआ था 2021 में, उसका वेदर जो है वो आपको पता है कि मैच 6ठे दिन पे चला गया था, लेकिन ये इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये बोलूंगा कि 3 साढ़े 3 दिन या 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, 5वें दिन ये टेस्ट मैच जाने वाला नहीं है, जिस तरह की ये पिच बना दी गई है। सबसे पहले मैं आपको वेदर का बता दूं, बुध वाले दिन मैच शुरू होना है, बुध वाले दिन कोई बारिश नहीं आएगी, पूरा दिन जो है वो धूप रहेगी, और रात को मतलब जब आप तक जब जब तक मैच रहेगा तब तक कोई आपको जो है वो बारिश की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जुमेरात वाले दिन भी मतलब थर्सडे वाले दिन भी आपको कोई जो है वो ना वेडनेसडे ना थर्सडे कोई बारिश नहीं है, फ्राइडे को भी बारिश नहीं है, हाँ सैटरडे और संडे को बारिश है, मतलब चौथे दिन और 5वें दिन, चौथे दिन भी जो है वो आखिरी सेशन में, लास्ट सेशन में बारिश होगी, जो आखिरी सेशन होगा ना टी के बाद वाला उसमें बारिश होगी। लेकिन जो 5वां दिन है सर, 5वें दिन आपको आई थिंक फर्स्ट पहले आर में कोई बारिश नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूसली रात 7-8 बजे तक बारिश है, मतलब पहले 3 दिन कोई बारिश नहीं है, चौथे दिन तीसरे सेशन में बारिश होगी, और 5वें दिन पहले घंटे को छोड़ के उसके बाद 7-8 बजे तक कंटिन्यूसली बारिश है। तो अगर टेस्ट मैच 5वें दिन पे जाता है तो 6ठा दिन रिजर्व डे भी रखा गया, लेकिन रिजर्व डे जो है वो रखा गया, फिर ट्यूजडे आ जाएगा और ट्यूजडे 100% बारिश है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मैच जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, मुझे भी यही लग रहा है मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में मैच ही तो हो रहे हैं, और जो पिच बना दी गई है ना सर, पिच साइड पे आपको नजर आ रही है ग्रीन, फुल ग्रीन पिच, घास उसके ऊपर आप देख लो, 1 दिन रह गया और पिच के ऊपर घास आप चेक कर लो, ये फाइनल पिच है, और ये पिच अगर अगर शायद इसके ऊपर थोड़ा सा घास ये उतार दें जो कि लग बिल्कुल भी नहीं रहा, ये पिच फास्ट बॉलर्स को जितना हेल्प आउट करेगी ना आपकी सोच है, और ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक भाईजान मिचेल स्टार्क, आपके पैट कमिंस, आपके कैमरन ग्रीन और स्कॉट बॉलन, क्योंकि जॉश हेजलवुड तो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, ये 4 फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, और इस पिच के ऊपर ये तबाही मचाने वाले हैं, फुल तबाही मचाएंगे ये इस पिच के ऊपर। विराट कोहली का इंटरव्यू मैंने सुना है जो कल लगा हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने यही बोला है कि इस पिच के ऊपर इंसान को अपनी टेक्निक के ऊपर खेलना पड़ेगा, अपनी बेसिक्स के ऊपर खेलना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने मिस्टर 360 बनना है या मैंने मिस्टर 460 बनना है, वो करोगे ना तो फिर चलते बनोगे, क्योंकि ये जो पिच है ना ये वाली, इसके ऊपर अगर अगर मजीद जारी सी बात है 5 दिन ही अगर टेस्ट मैच चलेगा तो मजीद घास बढ़ेगी, मजीद घास बढ़ेगी, स्पिनर को बड़ी भी इस पिच ने हेल्प की ना तो पहले दिन करेगी, क्योंकि जब ज्यादा घास होगी तब ज्यादा बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को जो है मदद मिलेगी, और फुल बाउंसी पिच बनाएगी है, आप पिच देख लो फुल ग्रीन, मतलब गाबा वाली जो इससे पहले 2022 में मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था, और सेम यही पिच थी, इसी तरह की पिच थी ये भी, फुल ग्रीन फुल घास वाली, और इंडिया का बैट्समैनों को कहना बिल्कुल सख्त इम्तिहान होने वाला है। लेकिन शुभमन गिल जिस फॉर्म में लग रहा है, रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली जिस फॉर्म में लग रहे हैं, और जिस फॉर्म में विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर है, सबको पता है, एमी पीछे तस्वीरें नहीं लगी हुई, और जितनी ये विराट कोहली की सारी तस्वीरें लगी हुई ना पीछे, इस सारे बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस की लगी हुई है, ठीक है ना, तो विराट कोहली बड़े मैच में बड़े रन करेंगे। इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को भी भाईजान इतनी कोई नहीं जो है मदद मिलनी, सामने से भी भाईजान मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, उमेश यादव ने बॉलिंग करनी है, तो सामने से भी जो है वो ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है। थोड़ा सा मैं आपको प्लेइंग 11 का बता देता हूं, अगर प्लेइंग 11 का मैं आपको बताऊं तो प्लेइंग 11 में इंडिया की जो मुझे अभी मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा ने जो हिंट दिया अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं उसमें यही है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे,
तीसरे नंबर पे पुजारा, चौथे पे विराट कोहली, पांचवे पे जिंके रहाणे, छठे पे आपके जो है वो ईशन किशन आएंगे, क्योंकि केएस भारत को इस पिच के ऊपर ट्राई करना बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इस ग्रीन पिच के ऊपर, इस घास वाली पिच के ऊपर आप जो है ईशन किशन के साथ जा सकते हैं, जो वो बैट्समैन जो तेज खेल सकता है, जिसकी तकनीक बेहतर है, जो फास्ट वाला को अटैक कर सकता है, तो वो ईशान किशान अच्छा कर सकता है। ऋषभ पंत वाला वो कहते हैं ना रोल अदा इजीली करेंगे। उसके बाद एक स्पिनर के साथ जाया जाएगा और इस पिच के ऊपर आप रविंद्र जडेजा के साथ जाओ, जो कि आपका बैटिंग भी प्रोवाइड करेंगे और आपके चार फास्ट बॉलर। सुनने में आ रहा है कि जयदेव नटकट को जो है वो इंडिया खिलाएगा चार फास्ट बॉलर। अगर आपको मैं बताऊं तो मोहम्मद शमी आ जाएंगे, उसके आपको मोहम्मद सिराज आ जाएंगे, उसके बाद आपको जो है वो उमेश यादव मिलेंगे और जो है वो जयदेव नटकट मिलेंगे। शार्दुल ठाकुर वाला जो है वो चांस थोड़ा सा कट लग रहा है। शार्दुल ठाकुर या उमेश यादव में से कोई एक बंदा खेलेगा, मुझे जो लग रहा है, अगर मैं होता तो मैं उमेश यादव के साथ जाता, क्योंकि उसे इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस भी है और वो बड़े टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, तेज बाउंस करता है, तेज उसकी पेस है और सीधी बॉल मारता है, तो जो पढ़ के उठती है थोड़ा सा हेल्प आउट करेगी जो है उसकी बॉलिंग भी। अगर ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको प्लेइंग 11 के थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 वही होगी कि उनके बैट्समैन हैं चार नैथन लैंग को खिलाएंगे और उनके जो चार फास्ट बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जो है वो कैमरन ग्रीन और उसका जो है स्कॉट बॉलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है। मुझे जो लग रहा है, अगर मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बता के जाऊं, तो मैं 60% इंडिया के साथ जाऊंगा। ये नहीं बोलना कि जी एमए उठाने के लिए जी 60% इसने इंडिया को कह दिया। 60% मैंने इंडिया को इस वजह से बोला है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया हुआ है, ठीक है ना, अपनी बी टीम के साथ। इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी इंडिया ने हराया हुआ है, अभी रिसेंट हरा के गया है, ठीक है ना। इंग्लैंड इंडिया को इस तरह से मैं 60% दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो एक विकेट ना स्टीव स्मिथ, उसको उड़ा दो, बाकी अपने आप जाएंगे। कोई भाईजान उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं लिख के कह रहा हूँ। और इस मैन मुझे लगता है इस इंडिया की बैटिंग लाइन में सबसे ज्यादा जिसके रन होंगे विराट कोहली के होंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा रहेगा। स्टूडियो नया बनाया, आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फीडबैक दिया, लेकिन अब अगर किसी ने नहीं दिया हुआ तो फीडबैक दे दीजिएगा। प्लेइंग 11 पिच सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अपना बहुत ज़्यादा रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।